पोस्टमार्टम के सही नियम क्या हैं? श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय के FMT के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार प्रसाद ने बताया कि पोस्टमार्टम रात में नहीं होना चाहिए, लेकिन दबाव के चलते मुजफ्फरपुर में रात में सबसे अधिक पोस्टमार्टम होता है। थाने से मृत्यु समीक्षा पत्र आने के बाद ही पोस्टमार्टम किया जा सकता, मगर कई बार शव आते ही तुरंत पोस्टमार्टम के लिए कहा जाता है। मैं अभी श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय के FMT विभागाध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार प्रसाद से बात कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, जरा बताएं कि पोस्टमार्टम का क्या नियम है। देखिए, सबसे पहले तो हम आपसे ये कहेंगे कि बहुत बार बॉडी हमारे पोस्टमार्टम रूम में आ जाती है, और जैसे बॉडी आती है तो बहुत लोग का हम लोग पर प्रेशर पड़ता है कि आप इसका पोस्टमार्टम कर दीजिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब तक हम लोग को इंक्वेस्ट रिपोर्ट और थाने के द्वारा जब तक कागज नहीं आएगा, इवन देन DM हो, प्रिंसिपल हो, या कोई भी अथॉरिटी हो, या थाना इंचार्ज हो, हम लोग पोस्टमार्टम नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब भी डेड बॉडी आए तो उसके साथ वो पुलिस का जो चौकीदार होता है वो इंक्वेस्ट ले करके आएगा, तब हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। इंक्वेस्ट यानी मृत्यु समीक्षा पत्र। बिना मृत्यु समीक्षा पत्र के हम लोग पोस्टमार्टम नहीं कर सकते हैं, और ऐसा कई बार देखा गया है कि बॉडी आने के बाद में इवन देन कि जिलाधिकारी कहीं कहीं पर आगलगी हो जाती है, कहीं पर लोग डूब जाता है, और वो लोग हम लोग को कहता है कि बॉडी पहुंच गई है, आप पोस्टमार्टम कीजिए। और हम लोग को बहुत उस समय दुख होता है कि उन लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि जब तक मृत्यु समीक्षा पत्र नहीं आएगा तब तक हम लोग पोस्टमार्टम नहीं कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या समीक्षा पत्र पहुंचे हुए लाश को पोस्टमार्टम कक्ष में रख लिया जाता है क्या? नहीं, देखिए, कभी कभी तो हम लोग बाध्य होते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल साहब का ऑर्डर होता है कि रात में आया हुआ है, चाहे अभी ये है, इसका बॉडी कहीं नहीं रखेगा, चाहे रोड पर रखेगा तो काफी दिक्कतें होंगी, तो हम लोग उन लोगों का बात मान लेते हैं, विधि व्यवस्था को देखते हुए। और तब तक वो लोग कहते हैं कि समीक्षा रिपोर्ट बन रही है, तो हम लोग पर प्रेशर पड़ता है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कभी कभी हम लोग भी मदद करनी। नियम क्या है सर? नियम है कि चौकीदार उस बॉडी के साथ मृत्यु समीक्षा भी पत्र लाए और हमारे ऑफिस में दे करके और तब बॉडी को रखवाए, नियम यही है। सर, रात को पोस्टमार्टम होना क्या है सर? रात में हो सकता है या नहीं, और नियम क्या है रात्रि पोस्टमार्टम? देखिए, आपको मैं बता दूं, आप बहुत सुलझे हुए पत्रकार हैं और आपको बहुत सारी जानकारियां भी हैं पूरे देश की। आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि हमारे मुजफ्फरपुर में दुनिया का सबसे ज्यादा रात में पोस्टमार्टम होता है, और उसका मुख्य कारण है कि बहुत सारे नेता लोग का, बहुत सारे लोग का हम पर प्रेशर आता है कि आप रात में पोस्टमार्टम कीजिए। रात में 5 बजे से लेकर के सुबह तक हमारे मैनुअल में है कि कोई पोस्टमार्टम नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है कि हम लोग काम से कतराते हैं, हम लोग इसलिए नहीं करते हैं कि उसमें रिपोर्ट गलत होने की संभावना है। तो जब हम लोग रिपोर्ट गलत देंगे तो फिर हम लोग पर आएगा कि आपने कैसे पोस्टमार्टम किया कि रिपोर्ट गलत देंगे। जैसे कि आपको हम समझा रहे हैं कि किसी को मारा गया है लाठी से, और उसका कलर और पोस्टमार्टम स्टेनिंग का कलर दोनों एक होता है, तो रात में हम लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, तो हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि ये ब्रूज है आकि पोस्टमार्टम स्टेनिंग है। इसी तरह बहुत सारी बातें हैं जिसमें रात में पोस्टमार्टम करना वर्जित है। चलिए सर, धन्यवाद।